हेलो एवरीवन, जेई में 2023 का क्वेश्चन है 25th जैन शिफ्ट 2 का। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg कोलाइड्स हेड ऑन ऑन इलास्टिकली विद अ स्टेशनरी बॉडी। विद अ स्टेशनरी बॉडी, देखिए हेड ऑन कॉलिजन है ये, बट इलास्टिकली है। विद अ स्टेशनरी बॉडी मतलब ये रेस्ट पे, ऑफ मास 3 kg। आफ्टर कॉलिजन द स्मॉलर बॉडी रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन, रिवर्स करा डायरेक्शन एज डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड मूव्स विद स्पीड 2 m/s। रिवर्स करने के बाद 2 m/s से जाएगा। द इनिशियल स्पीड ऑफ द स्मॉलर बॉडी बिफोर कॉलिजन इज, देखिए इलास्टिक कॉलिजन है तो सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो इलास्टिक कॉलिजन में कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 हो जाएगा। एंड कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, तो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ या ड्यूरिंग सेपरेशन, ड्यूरिंग सेपरेशन बोलो या फिर आफ्टर कॉलिजन बोलो, ड्यूरिंग सेपरेशन ठीक है, एंड रिलेटिव वेलोसिटी ड्यूरिंग अप्रोच ठीक है, ड्यूरिंग अप्रोच। तो यहां पे 1 इज इक्वल टू, तो सेपरेशन में है ना, अभी इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, पहले एक बार डायग्राम बना लें। देखिए ये जो है ना बॉडी, यहाँ पर पहला वाला बॉडी जिसका मास हमें कितना दिया हुआ है, 1 kg। तो 1 kg का बॉडी मान लीजिए, अपने को मालूम है भी है नहीं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये यू स्पीड से जा रहा होगा, ओके। एंड 3 kg का बॉडी यहाँ पर रेस्ट पे है, 3 kg का बॉडी रेस्ट पे है ठीक। तो आफ्टर कॉलिजन जो 1 kg है ठीक है ना, ये अपना डायरेक्शन रिवर्स कर ले रहा, पहले राइट में जा रहा था, अभी लेफ्ट में जाने लगा, बट स्पीड कितना, 2 m/s। 3 kg का बॉडी का अपने को स्पीड अभी मालूम नहीं है, तो हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं कि ये इधर गया होगा, कि कॉलिजन लगने के बाद, हेड ऑन कॉलिजन है तो ऑब्वियसली बात है लग गया तो राइट साइड में जाएगा ये, ओके। और अगर राइट साइड में नहीं जाएगा तो अपने आप ही डायरेक्शन उसका नेगेटिव आ जाएगा, जब वी निकालेंगे तो ठीक है, वी पूछा नहीं है ठीक है, बट पूछा यू है, बट फिर भी निकाल के देखेंगे। तो यहां पर देखिए, अब जब ये हेड ऑन कॉलिजन एंड इलास्टिकली इलास्टिक कॉलिजन है, तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, मोमेंटम तो ऑलवेज कंजर्व रहता है, चाहे कॉलिजन किसी भी टाइप का हो, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो यहां पे 1 kg इंटू यू प्लस 3 kg इंटू 0, मतलब इनिशियल मोमेंटम हो गया ये सिस्टम का, एंड सिस्टम का आफ्टर कॉलिजन क्या मोमेंटम होगा, देखिए 1 kg इंटू 2, बट अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसलिए माइनस आ जाएगा, है ना, लेफ्ट साइड में। अगर राइट को मैंने पॉजिटिव लिया तो लेफ्ट को क्या लूंगा, नेगेटिव, ये लेफ्ट साइड में जा रहा है वेलोसिटी, ये राइट में है, तो 3 kg इंटू वी ओके। अब यहां से मुझे क्या मिला, तो u इज इक्वल टू -2 + 3 v, एक इक्वेशन ये आ गया। अब कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो ये दोनों वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट में है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ठीक है, अपोजिट में तो ऐड करेंगे। इसमें कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होना है बच्चों, है ना, मतलब कंफ्यूज होना ही नहीं है, इसलिए नहीं होना है क्योंकि अगर ऐसे आके कोई कोई भी कॉलिजन करेगा, धक्का मारेगा इसको, तो ये ऑब्वियसली बात इधर ही जाएगा, है ना, कोई इसमें आकर के ऐसा तो है नहीं कि स्टिक कर गया है 3 और 1 जो 1 के साथ जाएगा, क्लियर, क्योंकि ये हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन है। एंड देखिए, अब देखिए, अब बिफोर कॉलिजन जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना ड्यूरिंग अप्रोच, उसमें ये तो 0 है, तो सिर्फ क्या है, यही यू है ना, तो यू किधर है, यू राइट साइड में, तो पॉजिटिव लिखेंगे ओके। और ये ई का वैल्यू 1 है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, वी प्लस 2 इज इक्वल टू यू, जो कि इक्वेशन नंबर 2 हो गया ठीक है। तो अब इधर से अगर हम लोग 1 और 2 को ऐड करें, तो 1 + 2 कर दीजिए, इक्वेशन 1 + 2, तो यहां पर जब ऐड करेंगे, मैं दिखा देता हूं एक बार ऐड करके, यू इज इक्वल टू -2 + 3 v, और यहां पर यू इज इक्वल टू 2 + v। तो ऐड करने पर देखिए क्या मिलेगा आपको, यहां से ये तो 0 मिला है ना, तो ये 2u इज इक्वल टू 4v मिला, तो यहां से आपको v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, u बाई 2। अब इसको उठा करके v को रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, या 1 किसी में भी रख सकते हैं, तो अगर इसमें हम रखें तो यहां से v प्लस 2 इज इक्वल टू u है, तो मैं इधर से क्या करूं, v की जगह पे u बाई 2 कर दूं, प्लस 2 इज इक्वल टू u ओके। तो अब इसको उठाकर उधर लेके जाइए, तो 2 इज इक्वल टू u माइनस u बाई 2 ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू u बाई 2, देन u इज इक्वल टू क्या हो गया, देन u इज इक्वल टू 4, तो यहां से आ जाएगा
4 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल जो वेलोसिटी है स्मॉलर बॉडी का वो कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड।